Hello everyone, welcome to class number 59 of the chapter data structure. So aaj ke class ka hamara discussion ka topic hai push operation in stack using linked list. So aaj ke class mein hum dekhenge ki hum push operation kaise perform kar sakte hain stack mein linked list ko use karke. So last kuch classes mein humne ye dekha tha ki hum push operation ek stack mein kaise perform kar sakte hain array ko use karke. Okay, to chaliye shuru karte hain discussion. तो जैसे कि हम जानते हैं ये पुश ऑपरेशन हम किस तरह के ऑपरेशंस को बोलते हैं स्टैक में, जिस तरह के प्रोसेस में हम कुछ न्यू डाटा और कुछ न्यू एलिमेंट हमारे स्टैक में इंसर्ट करते हैं या फिर इनपुट करते हैं, मतलब न्यू डाटा इंसर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन, किसमें, स्टैक में. ओके, सो पुश ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं एक स्टैक में लिंक्ड लिस्ट को यूज करके तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, पुश ऑपरेशन इजिली परफॉर्म कर सकते हैं. तो जब भी आपको कोई भी स्टैक में अगर डाटा इंसर्ट करना हो, सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या चेक करते हैं कि स्टैक फुल है या नहीं. ओके, मतलब स्टैक ओवरफ्लो पहले हम चेक करते हैं, मतलब सपोज स्टैक में स्टोरेज करने की कैपेसिटी है 100. ओके, और हम लेंगे एक साइज ये चेक करने के लिए कि जितना एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे हमारा स्टैक का साइज उतना होगा. ओके, अगर मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट किया है तो मेरा स्टैक का साइज 5 है, अगर मैंने 10 एलिमेंट इंसर्ट किया तो मेरा स्टैक का साइज 10 है, और मैक्सिमम कैपेसिटी स्टैक का कितना है, 100. ओके, तो चेक करेंगे कि कहीं साइज जो है, मतलब स्टैक का जो साइज है वो कहीं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्टैक के कैपेसिटी के बराबर तो नहीं है, मतलब स्टैक में जितना डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है कहीं उतना डाटा ऑलरेडी हम स्टोर तो नहीं कर चुके हैं. अगर उतना डाटा हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं इसका मतलब हमारा स्टैक फुल हो चुका है, स्टैक ओवरफ्लो वो हमें दिखाएगा और एरर मैसेज जनरेट करके वो हमें क्या करेगा, वो हमें प्रोसेस करने के लिए अलाउ ना करके प्रोसेस को एग्जिट कर लेगा. ओके, बट अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है, अगर ये कंडीशन सही नहीं होता तो सेकंड स्टेप में आएंगे. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे. लिंक्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिंक्ड लिस्ट में हम नोड क्रिएट करते हैं. लिंक्ड लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स. ओके, इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है, हर एक एलिमेंट के पास डाटा एज वेल एज एड्रेस फॉर द नेक्स्ट नोड और लिंक फॉर द नेक्स्ट नोड अवेलेबल होता है हर एक नोड में. तो एक नोड के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड जिसको हम ऐड करना चाहते हैं हमारे स्टैक में, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे. ओके, थ्रू सम पॉइंटर. तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया, न्यू नोड पॉइंटर. ओके, और जिसको यूज करके मैंने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया एक पर्टिकुलर नोड के लिए. ओके, तो न्यू नोड पॉइंटर यहाँ पे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा और उस पर्टिकुलर एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हमने न्यू नोड क्रिएट तो कर लिया, न्यू नोड के लिए हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर लिया. तो न्यू नोड में है क्या, वो न्यू नोड में डाटा सेक्शन है, लिंक सेक्शन है. डाटा सेक्शन को असाइन करेंगे कुछ वैल्यू, जो वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं स्टैक में, और लिंक सेक्शन को असाइन क्या करेंगे. देखो, मेरा जो स्टैक है, स्टैक अभी एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा जो साइज है 0 है स्टैक का. ओके, और सपोज मेरा स्टैक का कैपेसिटी है 100 एलिमेंट्स स्टोर करके रख सकता हूं, बट अभी मेरा साइज 0 है क्योंकि मेरे स्टैक में कुछ भी एलिमेंट मैंने इंसर्ट नहीं किया है. तो मैंने फर्स्ट नोड क्रिएट किया, फर्स्ट नोड के डाटा सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया डाटा. तो अभी टॉप पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, टॉप पॉइंटर का वैल्यू अभी होगा नल, क्योंकि वो कोई भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा. ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया. सो न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन को क्या असाइन करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन को असाइन करेंगे नल. नल का वैल्यू किसके पास है, टॉप पॉइंटर के पास. तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोड हमारा ऐड होगा, सपोज डाटा मैंने इंसर्ट किया 45 और टॉप पॉइंटर का वैल्यू नल था जो कि मैंने असाइन किया लिंक सेक्शन को. ओके, हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप पॉइंटर क्या करता है, टॉप पॉइंटर नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा था और टॉप पॉइंटर स्टैक में हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को, टॉप मोस्ट नोड को पॉइंट करता है. तो टॉप मोस्ट नोड अभी कौन है, ये. तो टॉप मोस्ट नोड को पॉइंट करेगा अभी कौन, टॉप मोस्ट नोड को पॉइंट करेगा टॉप पॉइंटर. तो इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस क्या है, इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस किसके पास है, न्यू नोड पॉइंटर के पास. सो न्यू नोड पॉइंटर से हम असाइन करेंगे एड्रेस को, किसको, टॉप पॉइंटर को. तो अभी टॉप पॉइंटर क्या करेगा, टॉप पॉइंटर अभी पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर न्यू नोड को, जिस न्यू नोड को हमने हमारे स्टैक के टॉप में इंसर्ट किया है.
ओके तो प्रोसेस खत्म, पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, स्टैक में एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और उसको टॉप पॉइंटर के द्वारा कैसे पॉइंट कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम दिखते हैं उसका, एल्गोरिदम वही सेम है, बस उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पहले चेक करेंगे कि स्टैक, जो हमारा स्टैक है, स्टैक का साइज कहीं उसके कैपेसिटी से ज्यादा या फिर उसके कैपेसिटी के बराबर तो नहीं हो गया। अगर कैपेसिटी से ज्यादा या फिर कैपेसिटी से बराबर हो गया है, मतलब स्टैक फुल हो चुका है और वहां पे वो क्या करेगा, स्टैक फुल हो चुका है बोल के प्रिंट करेगा, मैसेज दिखाएगा और ऑपरेशन को एक्सेप्ट कर देगा और हमें इंसर्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ओके उसके बाद अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, मतलब स्टैक में ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल हैं, स्टैक अगर फुल नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे। सेकंड स्टेप में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस न्यू नोड के डाटा सेक्शन को असाइन करेंगे वैल्यू, लिंक सेक्शन को असाइन करेंगे टॉप पॉइंटर का वैल्यू। ओके मतलब सपोज यहाँ पे एक स्टैक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो टॉप का वैल्यू क्या है, नल। ओके तो यहाँ पे मैंने टॉप का वैल्यू असाइन किया नल। फिर हम क्या करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, साइज जीरो था पहले क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं था, अभी साइज हो गया वन क्योंकि एक एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है स्टैक में। उसके बाद टॉप पॉइंटर को असाइन करेंगे न्यू नोड का एड्रेस, मतलब इसका एड्रेस, ये जो नोड है इसका एड्रेस किसके पास था, न्यू नोड के पास, तो टॉप पॉइंटर को असाइन करेंगे न्यू नोड का एड्रेस ताकि टॉप पॉइंटर इसको पॉइंट करे क्योंकि टॉप पॉइंटर हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमेशा पॉइंट करता है। ओके सो फिर से सपोज ऊपर जाएंगे, फिर से मैं न्यू नोड और एक क्रिएट करूंगा और एक न्यू नोड मैंने क्रिएट किया। ओके इसके लिए मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया, उसके डाटा सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया 55 एंड लिंक सेक्शन को क्या असाइन करेंगे, टॉप पॉइंटर का वैल्यू। ओके मतलब देखो ये अभी जो नोड हम ऐड कर रहे हैं ये सेकंड नोड है, ये ऑलरेडी फर्स्ट नोड ऐड हो चुका है, तो ये फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टॉप पॉइंटर के पास, सो टॉप पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे यहाँ पे लिंक सेक्शन को न्यू नोड के, तो यहाँ पे टॉप पॉइंटर का एड्रेस आ जाएगा। ओके उसके बाद अभी टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड और एक हमने ऐड कर लिया है, तो साइज फिर इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 2 क्योंकि हमने दो नोड्स ऐड कर लिए हैं। तो अभी टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, जो न्यू नोड अभी हमने ऐड किया, तो उसका एड्रेस किसके पास होगा, न्यू नोड पॉइंटर के पास, सो न्यू नोड पॉइंटर से हम असाइन करेंगे फिर से टॉप पॉइंटर को उसका एड्रेस, सो टॉप पॉइंटर फिर से पॉइंट करेगा हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट को। पता चला कि हम कैसे पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट यूज करके। ओके तो प्रोग्राम देखते हैं। ओके तो फर्स्ट नॉर्मली हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने stdio यूज किया एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को भी यहाँ पे मैंने यूज किया जबकि हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करते हैं। ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके एक कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, फिर कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कैपेसिटी, मतलब मेरे स्टैक का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 100, वो मैंने असाइन किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक स्टैक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्टैक स्ट्रक्चर बनाया, स्टैक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके अंदर मैंने दो मेंबर्स लिए, एक डाटा एक एड्रेस फॉर द नेक्स्ट नोड। ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लोबली क्या किया, ग्लोबली मैंने यहाँ पे टॉप पॉइंटर को डिक्लेयर किया, ग्लोबली मैंने साइज वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने पुश फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। ओके फिर मेन फंक्शन में आएंगे, मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने किया था लास्ट क्लास में एरे में, एरे को यूज करके हम जो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, जैसे कि चॉइस वाला ऑप्शन प्रोवाइड करते थे ताकि यूजर जितना बार चाहे उतना बार क्या कर सके, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, वही सेम ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करके। ओके इसीलिए मैंने एक वेरिएबल लिया चॉइस और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया डाटा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन से यूजर से डाटा लेके उसको पुश फंक्शन के पास फॉरवर्ड करेंगे जो डाटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे डू व्हाइल लूप मैंने यूज किया, पहले क्या करेंगे एंटर द डाटा टू पुश इनटू द स्टैक, एक बार बिना कंडीशन चेक किए पहले अलाउ करेगा यूजर को डाटा इनपुट करने की फैसिलिटी के लिए, मतलब डाटा पुश करने के लिए जो डाटा चाहिए वो डाटा इंसर्ट करने के लिए, यूजर डाटा इंसर्ट करेगा वो डाटा जाके स्टोर होगा किसमें, डाटा वेरिएबल के एड्रेस में, उस डाटा को हम फिर पास करेंगे पुश फंक्शन के पास। ओके पुश फंक्शन के पास आएंगे, पुश फंक्शन के पास वो डाटा आ चुका है, सपोज डाटा मैंने पास किया 45 जो कि मेमोरी में स्टोर हो गया है, साइज का वैल्यू क्या है, हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया साइज का वैल्यू है 0 और कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी हमारा है 100, तो कंडीशन इज फॉल्स, तो जंप करके आ जाएगा नीचे। नीचे जब आएगा अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर स्टैक हमारा फुल नहीं है, तो न्यू नोड क्रिएट करेगा, तो न्यू नोड क्रिएट किया। ओके न्यू नोड एक क्रिएट किया, ये डाटा सेक्शन और ये हमारा लिंक सेक्शन, जिसको जिनको असाइन कौन कर रहा है, जिनको पॉइंट कर रहा है हमारा न्यू नोड पॉइंटर, तो इसका एड्रेस है 1000। ओके
अभी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू न्यू नोड के डाटा सेक्शन को असाइन करेंगे वैल्यू। सपोज असाइन किया मैंने, क्या यहाँ पे हमने डाटा को पास किया था आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, जो कि यहाँ पे एलिमेंट के हिसाब से हमने एक्सेप्ट किया, उसको हम असाइन करेंगे किसको, डाटा सेक्शन को 45, एंड लिंक सेक्शन को असाइन करेंगे टॉप पॉइंटर का वैल्यू। टॉप पॉइंटर को जबकि हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, मतलब टॉप पॉइंटर का वैल्यू है नल, तो यहाँ पे हम असाइन करेंगे नल। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड हमने यहाँ पे रेडी कर लिया, फर्स्ट नोड हमने स्टैक में ऐड कर लिया, तो टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को, मतलब अभी जबकि स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं था तो टॉप का वैल्यू क्या था, नल। अभी जबकि एक नोड हम ऐड कर चुके हैं तो उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कौन करेगा, टॉप पॉइंटर। तो इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस किसके पास है, न्यू नोड पॉइंटर के पास, तो न्यू नोड पॉइंटर से हम क्या करेंगे, टॉप पॉइंटर को असाइन करेंगे इसका एड्रेस, ताकि टॉप पॉइंटर पॉइंट कर सके इस पर्टिकुलर नोड को। उसके बाद साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि स्टैक में हमने एक न्यू नोड ऐड कर लिया है, तो साइज प्लस प्लस, साइज का वैल्यू इंक्रीज होकर हो गया 1। उसके बाद प्रिंट करेगा डाटा पुश्ड टू स्टैक, ओके डाटा हमने पुश कर लिया है स्टैक में, ओके जहां से फिर हमने पुश फंक्शन को कॉल किया था वहां पे रिटर्न आएंगे। पुश फंक्शन के पास रिटर्न आने के बाद फिर प्रिंट करेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप फिर से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो क्या, अगर इंसर्ट करोगे 1 तो फिर से वही सेम पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर इंसर्ट करोगे 0 तो वहां पे वो पुश ऑपरेशन और परफॉर्म नहीं करेगा, जंप करके बाहर आ जाएगा डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर और डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। ओके, डिस्प्ले मेथड को कॉल क्यों करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टैक में हमने जो भी इनपुट किया उसको हम देखना चाहते हैं, इसके लिए हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। डिस्प्ले मेथड को जब हम कॉल करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि कहीं टॉप पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है, अगर टॉप पॉइंटर का वैल्यू नल है मतलब स्टैक हमारा एम्प्टी है। ओके, जब स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं होता तब टॉप पॉइंटर का वैल्यू क्या होता है, नल होता है। अगर हमारा टॉप पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं है तो जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक न्यू पॉइंटर क्रिएट करेंगे और उसको असाइन करेंगे टॉप पॉइंटर का वैल्यू, जैसे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते थे, हेड पॉइंटर का वैल्यू असाइन करते थे और एक पॉइंटर को, क्यों, ट्रावर्सिंग करने के लिए, ट्रावर्सिंग करके हर एक एलिमेंट को विजिट करने के लिए, ओके, और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद मैंने प्रिंटअप स्टेटमेंट यूज करके एक मैसेज दिया, द स्टेटस ऑफ द स्टैक इज, स्टैक का स्टेटस क्या है, स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नॉर्मली हम सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, कंडीशन कैसे यूज करते हैं, पूरा एंड तक ट्रावर्स करने के लिए, while temp not equals to null, जब तक pointer का value null नहीं हो जाता तब तक वो traverse करता रहेगा, मतलब तब तक वो end node तक नहीं पहुंचा होगा, और traverse करते करते हर एक node का data वो print करते करते जाएगा, और फिर temp pointer का value update करते करते next node को point करता करता जाएगा, जब तक temp pointer का value null नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो end node तक नहीं पहुंच जाता। okay, तो डिस्प्ले मेथड को हमने जहां पे कॉल किया था वो खत्म, उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, मेन फंक्शन क्लोज। तो अब आउटपुट क्या आएगा, देखो, एंटर डाटा टू पुश इनटू द स्टैक, डाटा इंसर्ट किया हमने, उसके बाद वो जाएगा किसके पास, पुश फंक्शन के पास, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर दिखाएगा कि डाटा पुश हो चुका है स्टैक में, फिर रिटर्न आएगा जहां से हमने उसको कॉल किया था मेन फंक्शन के अंदर से, पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर 1 प्रेस करोगे तो फिर से पुश करने के लिए डाटा इंसर्ट करने की बोलेगा, डाटा फिर इंसर्ट करोगे, फिर पुश फंक्शन के पास जाएगा, फिर स्टैक में ऐड करेगा और टॉप पॉइंटर को असाइन करेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट को, और फिर हमें दिखाएगा डाटा पुश्ड टू स्टैक, स्टैक में डाटा पुश हो चुका है। उसके बाद फिर से पूछेगा मेन फंक्शन के पास जाके, अगर हम इंसर्ट करेंगे 0 तो वो क्या करेगा, फिर डिस्प्ले फंक्शन के पास जंप करके आ जाएगा, अगर हम फिर से 1 इंसर्ट करते तो फिर से हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो अलाउ करता। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 ही एलिमेंट इंसर्ट किया, दो ही एलिमेंट जबकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो स्टेटस ऑफ द स्टैक एज क्या दिखाएगा, 20 10, फर्स्ट हमने इंसर्ट किया था 10, ओके, फिर हमने इंसर्ट किया 20, तो जो लास्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट में दिखाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं वो लास्ट में दिखाता है, दिखा रहा है। सो पता चला कि कैसे हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।